हमारे देश में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिसके प्रति लोगों की आस्था अटूट देखने को मिलती है। भले इस संसार में ईश्वर का आकार प्रकार ना नजर आता हो, लेकिन फिर भी उनकी शक्तियां हमें महसूस जरूर होती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर पर अधिक विश्वास नहीं करते। लेकिन भगवान को माने या ना माने, ईश्वर अपने चमत्कार करता रहता है। इस दुनिया में सब ईश्वर के इशारों पर चलता है। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी हनुमान मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको जानने के बाद आपकी आस्था भी बढ़ जाएगी। दरअसल एक ऐसा हनुमान मंदिर है जहां से गुजरने वाली ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी हो जाती है। ये सब नज़ारा देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस चमत्कार को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। आपको इस चमत्कारिक हनुमान मंदिर के बारे में बता रहे हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के साजापुर जिले के बोलाई गांव में है। इस मंदिर को श्री सिद्ध वीर खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ की मान्यता कि अगर आप कुछ दिल से मांगे तो वो ज़रूर पूरा होता है। इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था मजबूत होती है। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही चमत्कारिक है। इस मंदिर के प्रति लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि हनुमान जी लोगों का भविष्य बताते हैं। जी हाँ, ताकि लोगों के ऊपर आने वाले संकट टल जाएं। मध्य प्रदेश का श्री सिद्ध वीर खेड़ापति हनुमान मंदिर बेहद चमत्कारिक बताया जाता है। आसपास के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि जो भक्त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको आने वाले भविष्य का आभास हो जाता है, जिससे पहले वो अपनी परेशानियों को बचा लेते हैं। वीर खेड़ापति हनुमान मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के पास से गुजरने वाली ट्रेन जैसे ही मंदिर के पास से गुजरती है, उसकी स्पीड अचानक से कम हो जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये महाबली हनुमान जी का चमत्कार है। वैसे आज तक ये नहीं हुआ कि मंदिर के पास आते ही ट्रेन की रफ्तार कम हो जाए। सच मायने में ये चमत्कार ही है। इस मंदिर के पुजारी का मानना है कि 10 वर्ष पहले दो मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई थी। तब मालगाड़ियों के दोनों मोटर मैन इस बारे में पूछा गया कि टक्कर से पहले की घटना को अचानक से आभास हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई मालगाड़ी की गति कम करने के लिए कह रहा है। उसके पश्चात उन्होंने मालगाड़ी की स्पीड कम कर ली, जिसकी वजह से इस हादसे से कोई नुकसान नहीं हुआ और दोनों ट्रेनों में लोगों की जान बच गई। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस कहानी को बनावटी समझ रहे होंगे, परंतु सच तो ये है कि हनुमान जी के इस मंदिर के सामने से गुजरने वाली ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।